सरकार द्वारा जारी किए गए 3 अध्यादेशों के खिलाफ आज वीरवार को करनाल में किसानों ने धरना प्रदर्शन देकर रोष जाहिर किया। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि लघु सचिवालय करनाल के बाहर किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर उनका पुतला दहन किया। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसान पिछले कई दिनों से लघु सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। इस दौरान किसान सरकार द्वारा जारी 3 कृषि अध्यादेश व पीपली में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के दोषियों पर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। 3 कृषि अध्यादेश निरस्त करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसानों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर उनका पुतला लघु सचिवालय के बाहर जलाया गया। इस दौरान किसानों ने जमकर नारेबाजी भी की। किसानों ने रोष स्वरूप पीएम का पुतला दहन किया। किसान नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि अध्यादेश निरस्त करने के लिए बिल्कुल साफ मना कर चुकी है, जिसके विरोध में सभी जिला मुख्यालयों पर किसानों द्वारा धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस दौरान किसान नेताओं ने चेताते हुए कहा कि अगर सरकार यह अध्यादेश वापस नहीं लेती है तो किसान सड़कों पर उतरेगा और रोड जाम करने से भी पीछे नहीं हटेगा। किसान नेताओं ने यह भी कहा कि इन अध्यादेशों को निरस्त ना करने तक किसान अपना संघर्ष जारी रखेंगे। किसानों ने कहा कि यह 3 अध्यादेश किसानों के हित में नहीं है। आपको बता दें कि इस धरने प्रदर्शन को आज आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने भी अपना समर्थन दिया है, साथ ही पार्टी की ओर से किसानों का साथ देने का आश्वासन दिया। इस दौरान सैकड़ों किसान मौजूद रहे। किस विरोध में आज किया जा रहा है? आज विरोध में इसीलिए किया है कि 3 अध्यादेश जो है वापस करिए, खड़े आप जवाब दे दिया कि हम जो है ये आपकी मांग पूरी नहीं करेंगे। ये हम दिल्ली के अंदर हमारे नेता गए थे वहाँ, और वहाँ मंत्री जी से जब बात हुई तो उन्होंने एकदम स्पष्ट जवाब दिया कि 3 अध्यादेश जो है ये मांगे आपकी पूरी नहीं करेंगे, और जो उसी कहते करते हैं। उसी के विरोध के अंदर जो आज मोदी जी का पुतला चलाया गया है, और दूसरी बात जो पिपली के अंदर किसानों को होने वाले किसानों के अंदर इन्होंने लाठियां डंडे बरसाए हैं, और हम ये चाहते हैं कि जो जिन्होंने बरसाया है उनके ऊपर 300 अफसर के ऊपर 300 साहब के मुकदमे हो और उनको पकड़ा जाए। आम आदमी पार्टी का क्या सहयोग आज आम आदमी पार्टी के? आम आदमी पार्टी का सारा हरियाणा जाग चुका है इस बात के लिए। 3 अध्यादेश जो है काला अध्यादेश लेके आई है। आपको पता है कि सर छोटू राम ने जो मंडियों को ढांचा खड़ा किया था उसको तोड़ने के लिए यही मोदी सरकार खट्टर सरकार जो है उसको तोड़ना चाहती है, पर हरियाणा सरकार जो है ये किसान विरोधी है। आज सारा हरियाणा जाग चुका है और उन्होंने ये कह चुका, हमने ये मीटिंग करी है और करके आज ही फैसला, हमने 17 घंटों ने फैसला लिया है कि मोदी जी का जो है पुतला जलाया जाए और चलाया क्यों मर्जवा। क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं जितनी भी किसान यूनियन संगठित हो चुकी है, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति भी इस संगठनों के साथ है, हम इनका समर्थन कर रहे हैं और 3 अध्यादेशों का हम विरोध करते हैं। कुरुक्षेत्र पीपली में जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है उसकी जांच कराई जाए और जो दोषी हैं उनको सजा दी जाए, उनके ऊपर FIR हो और उनके ऊपर 307 के मुकदमे हो। आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा में इस काम के लिए 17 की 17, 18 की 18 संगठनों के साथ है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.